हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो आज की क्लास है हमारी कस्टम फॉर्मेटिंग। हमने आपको कल की क्लास में कुछ छोटे मोटे फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स बताए थे, और नंबर फॉर्मेटिंग में बताया था कि जैसे जर्नल हो गया, करेंसी हो गया, ये चीज तो आप यूज करते ही है, अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटिंग में एक चीज है आपको बताता हूं, वो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हमने आगे कई सारे नंबर्स लिख लिए हैं और इन नंबर्स के बीच में कहीं कहीं पे मान लीजिए जीरो है। जो नंबर है इन नंबर के बीच में मान लीजिए कहीं कहीं पे आपको जीरो यहां पे डाला हुआ है, राइट? तो कहीं कहीं पे जीरो डाला हुआ है तो मुझे जीरो को डिफरेंट दिखाना, मैं चाहता हूं जीरो जो है वो डिफरेंट दिखे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें एंड फॉर्मेट सेल पे जाए, या फिर यहाँ नंबर पे इस पे क्लिक करें और करेंसी अकाउंटिंग में इसका सिंबल जो है ना, सिंबल को नन कर दें और डेसिमल प्लेस रखना चाह रहे हैं रखने रखना चाहते हैं, ये आपका जो है इस तरह से डैश दिखेगा, उसके थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा और इजिली आइडेंटिफाई हो जाए। लेकिन ध्यान दें कि जस्ट विजुअल है कि जो आप देख रहे हैं जीरो, जो यहाँ तो डैश जो है जीरो बन गया है, सिर्फ विजुअल है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी फॉर्मेटिंग किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, वो जस्ट उसकी विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ओरिजिनल जो है ये आपका जीरो ही है। डेट वगैरह तो आप चेंज कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आता ही, कॉमन है। टाइम में देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि मैंने 54 आवर्स 20 मिनट लिखा, ठीक है, कभी कभी जनरल वॉमिट हो जाता है या वैल्यू बेस करने हो जाता है, तो इस तरह का डेसिमल्स में आता है। अगर इस पे अगर मैं नॉर्मल टाइम का वॉमिट जो कि हम अप्लाई करते हैं एपीएम वाली, वो अगर अप्लाई करते हैं तो आपको जो है 24 घंटे के बाद रिपोर्ट दिखाएगा, 24 घंटे से पहले का नहीं दिखाएगा। तो याद रखिएगा जो आपके पास आवर का टाइम है तो आप टाइम में ये सबसे लास्ट जो है 37, 30 और 55 वाला जो है उसी को आप इस्तेमाल करें, राइट? या अब बात करते हैं परसेंटेज का, फ्रैक्शंस, परसेंटेज तो नॉर्मल है, फ्रैक्शंस है वो जैसे कि मैंने लिख दिया 2.5, तो अगर फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस में जाके मैं यहाँ पे 1.5 लिख दिया तो यहाँ पे 2.5 दिखेगा, राइट? ये सब चीज ये चीजें तो है, लेकिन जो मेन है वो चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस कॉलम में मैं चेक नंबर एंटर करने जा रहा हूं, तो अधिकतर चेक नंबर आपने देखा होगा तो जीरो से होता है कि 0 0 1 2 3 इस तरह से होता है, बट जीरो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगर मैं यहां पे सिंगल कोट लगाऊं और फर्स्ट फिर लिखूं कि 0 0 1 2 3 तो ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? लेकिन मुझे पूरे कॉलम में अगर इसी चीज को लिखना है कि मैं पूरे कॉलम में सिर्फ यही लिखना चाहता हूं तो हर एक सेल पे जाके कॉलम लगाना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि मैं इसको सेलेक्ट करूं एंड फॉर्मेट सेल पे जाऊं और इस पे टेक्स्ट को सेलेक्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जैसे मैंने ओके किया, यहाँ देखिए अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर सिंगल कोट लगा दे तो भी टेक्स्ट ही होगा, तो टेक्स्ट में हम डालेंगे तो जीरो ऑटोमेटिकली हमारा एक्सेप्ट करेगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि फॉर्मूला में भी होंगे तो फॉर्मूला लग तो जाएगा बट परफॉर्म नहीं करेगा,
क्योंकि सेल है, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कब होती है कि किसी ने आपको चेक नंबर दिया और उसने जीरो लगा के नहीं दिया। अब मुझे इसमें जितने डिजिट मिसिंग है उतने डिजिट जीरो लगा के सही डिजिट को मैच करना है। तो इसमें दो चीजें हैं कि अगर आप चाहते हो डिजिट कि आपका डिजिट सिर्फ विजुअल के पर्पज से हो, सिर्फ विजिबिलिटी के पर्पज से हो, तो आप इसको सिलेक्ट करें, कस्टम में जाएं, 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम जीरो डालें एंड ओके कर दें, ऑटोमेटिकली क्या आगे जीरो लगा दें। देखिए सिर्फ विजुअल है, आप यहां दिख रहा है 0 0 1 2 5 बट एक्चुअल में 1 2 5 है, मतलब कहीं से किसी जगह से आपको अगर सच में लिखा हुआ मिले 0 0 0 1 2 5 तो ये दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ ये 1 2 5 है और ये हमारा 0 0 1 2 5। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल सा थ्योरी है कि किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग आपके डेटा की विजिबिलिटी को चेंज करेगा, ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं करेगा, ओरिजिनल वैल्यू आपको चेंज नहीं करेगा। लेकिन मुझे जो चाहिए ओरिजिनल में चाहिए, मुझे चाहिए ओरिजिनल में चाहिए, तो उसके लिए टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करें। टेक्स्ट इसको सिलेक्ट किया और मैं जो सिक्स टाइम जीरो मैंने यहां डाला था यहां डाल दिए 1 4 5 6 और क्लोज कर, ठीक है। अब ये ओरिजिनल है, अब ये मैच वापस। तो जो कस्टम फॉर्मेटिंग में जो कोड आप डालते हो उस कोड को टेक्स्ट फॉर्मेट में डालोगे तो सेम रिजल्ट आए। अगले कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में प्लस 91 एक्सेप्ट नहीं, तो मैं चाहता हूं कि प्लस 91 के साथ चले, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक मिनट तो इसको हम जाएंगे यहां पे कस्टम फॉर्मेटिंग में और यहां देंगे प्लस 91 और यहां पे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं यहां पे अपना मोबाइल नंबर लिखूं, हेलो सर हमें सीट नहीं दिख रही है, या सीट आपको ठीक है अभी दिख रहे हैं, तो ये डालेंगे तो प्लस 9 ऑटोमेटिक ले लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है पता आपको, अगर मैं सिर्फ डबल ए डाल दूं फिर भी ये डबल जीरो लगा दें, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है,
तो इसका सोल्यूशन है कि यहां पे इसका सोल्यूशन ये है एंड कस्टम परमिटिंग पे जहां हमने जीरो दिया था तो पूरा दे देंगे वन और यहां वन थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है तो टेन है सर। अब ये फंडा क्या है जीरो और है सर जीरो और हैश का फंडा क्या है। चलिए जैसे कि मैंने यहां पे कोई वैल्यू रखी राइट मैं चाहता हूं इसके आगे टेक्स्ट शो करना जैसे आई एन आर। अगर मैं आई एन आर लिख के फिर टेक्स्ट लिखूं तो फिर इसमें दिक्कत क्या होगा कि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि जस्ट वो विजुअल हो आई एन आर लेकिन एक्स में नंबर तो किसी भी नंबर के साथ हम हमें आई एन आर के बाद जीरो या है जीरो में मुझे डबल जीरो डाल दिया तो दिखाई दिख रहा है फाइव लिखा तो जीरो फाइव कर देगा मतलब कि डिजिट को मेंटेन करेगा लेकिन हैश अगर हम करेंगे तो डिजिट को मेंटेन नहीं करेगा। तो हैश जीरो डालना है अगर आपको डिजिट मेंटेन करना है कि अगर जितना डिजिट कम है उतना डिजिट आगे जीरो लगा दे तो उस केस में हम जीरो लेते हैं नहीं जैसा टाइप वो ऐसा ही दिखना है यहाँ अकाउंट नंबर लिखते अकाउंट नंबर या कुछ भी नंबर लिखते हैं तो दिक्कत क्या होता है कि आप लेविंग डिजिट के जैसे लिखते हैं यहाँ से एक कॉलम टेक्स लिखता है इस कारण से यहाँ तक यहाँ भी अगर हम लेविंग डिजिट का नंबर लिखते हैं वो नंबर किसी जैसे लेविंग डिजिट ज्यादा जाए वो साइंटिफिक फॉर्मेट क्या जाएगा साइंटिफिक तो इसको कैसे सही करें तो इसको हम कस्टम पे जाएंगे और सिर्फ एक हैश दे देंगे तो हमारा दिख जाएगा ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि जो नंबर की नंबर है वो सिर्फ आपका 15 डिजिट तक ही रहेगा 15 डिजिट के बाद जैसे नंबर डालोगे वो आपका जीरो में कन्वर्ट होगा एट डाला जीरो बन क्यों क्योंकि तो एक्सेल के अंदर में एज ए नंबर फॉर्मेट फॉर्मेट में आप 15 से ज्यादा नहीं डाल अगर आप 15 डालते हैं तो वो आपका जीरो कर देगा तो कैलकुलेशन आपका नहीं कर पाता है फिर आपको ज्यादा करना है ज्यादा टेक्स लिखना है
कि अमाउंट इज 1000 चल रहा है, तो मैंने आप अमाउंट जो बताया जिसके 5000, तो अमाउंट इज 1000 चल रहा है, तो मैं कस्टम पे जाऊंगा और यहाँ पे कैश व्हाट्स द ड्यू फ्यूचर व्हाट थाउजेंड यू हेलो 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 सर, आवाज नहीं आ रहा है। सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ अब हैश और के जब मतलब हैश डालते हैं तो हैश के साथ हम कुछ भी करेक्टर दे सकते हैं, जैसे के डाल दीजिए तो 1000 मतलब 1000 में शो करेगा। आप लिखो जैसे मैंने 50,000 लिखा, लेकिन शो करेगा ओनली फॉर 50, क्यों? हमने उस कस्टम फॉर्मेट में जाके हैश के साथ एक सिंगल कॉमा किया, तो हैश के साथ सिंगल कॉमा किया है इसलिए ऐसी चीजें दिख रही है। अगर आपको अमाउंट इन करोड़ में करना है तो करोड़ के लिए आपको क्या करना है, यहां पे आपको देना है 0.2 अभी डबल 12 करोड़। अब क्वेश्चन आती है कि इसमें और क्या हो सकता है। इसमें आगे जानने से पहले आपको एक आर्टिकल पढ़ना, आर्टिकल माइक्रोसॉफ्ट आर्टिकल है। आर्टिकल का मेल अगर आपको कर रहा हो, आप जो है आर्टिकल को पहले स्टडी करें और फिर आप इस बाकी चीजों पर हम कल की क्लास में। वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? हाँ सर, ठीक है, या चल रही सर। आपने खाना नहीं खाया है सर, इसलिए। पता नहीं क्यों ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क सही है तो सही है। तो मैंने आपको एक आर्टिकल मेल किया है, अब उस आर्टिकल को आप लोग ध्यान से पढ़िए और उसकी चीजों की प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम कल आपके साथ एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में जिक्र करेंगे। पहले आर्टिकल को पढ़िए।